हर दिन नई खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके पास। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। हर दिन नई दमदार न्यूज़ के लिए हमारा चैनल नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। टोक्यो की नेक्स्ट जेनरेशन कार डिजाइन और मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉर लिंक सिस्टम एक नई फोल्डिंग कार को लॉन्च करने की योजना बना रही है और इस रोबोट कार का नाम अर्थ एक होगा। कंपनी का दावा है कि यह ट्रांसफॉर्मर व्हीकल मार्च तक सड़कों पर दौड़ता दिखाई देगा। कंपनी ने बताया है कि इस कार की कीमत 70,000 अमरीकी डॉलर यानी करीब 45 लाख रुपए हो सकती है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है कि यह अपने सामान्य आकार से सिमटकर छोटी हो जाती है। इसके बाद इसे बड़ी आसानी से कम जगह पर भी घुमाया या टर्न किया जा सकता है। यह एक 2 सीटर यानी 2 सीटों वाली कार होगी। इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल होंगी कि कई किलोमीटर तक का सफर तय करने के बाद भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी।